विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला हाँ। और रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, बाकी शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, लेकिन मैक्सवेल की जो बैटिंग थी ना वो आउट क्लास थी, आउट क्लास थी। लेकिन आज में डेविड वार्नर ने बहुत टाइट खेला सारे पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में। तो इसलिए मेरी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। एक्सपेक्टेशन में देखो ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगा हाँ। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हाँ, टफ टाइम देगा हाँ, हाँ। लेकिन फाइनल था, मेरे को लग रहा था लाजमी चोक करेगा इंडिया हाँ। क्योंकि वो नॉनस्टॉप जीतता हुआ ही आ रहा था, सबको यही लग रहा था कि इंडिया ही विन करेगा, इंडिया ही विन करेगा। रियल हीरो इंडियंस ही हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप उनके हाथ में नहीं है ये मैटर नहीं करता। अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें वो सबसे ज्यादा अहम है, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं अभी हमने ऑफ कैमरा जिनसे बात की वो क्या कह रहे थे, आज का वर्ल्ड कप इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें वो सबसे अहम है। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है, ना वो रिकॉर्ड बांग्लादेश ना ऑस्ट्रेलिया कायम कर सका। अगर आज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में वर्ल्ड कप चला गया लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना, सबसे मैटर ये चीज करती है। और मैं यही बोलूंगी कि इंडिया लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके क्रिकेटर उनके बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले और जो मेहनत करेगा जीतेगा। इंडिया ने वाकई मेहनत की है, लेकिन आज के दिन के लिहाज से जो है इंडिया मार खा गया और उनकी पॉलिसी जो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी थी वो कामयाब रह गई। तो वहाँ की अवाम से यही है कि भाई बॉल मैच है इसमें, तो पाकिस्तान आप देखें, आप अपने पाकिस्तान को देख लें कि वो कहना कि हमारा मुल्क भी जो है बाहर आया तो हमने भी वो किया है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि हमने जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो हर मैच के बाद कोशिश की है कि पब्लिक रिएक्शन ले। आज का मैच फाइनल था और बहुत ही अहम, बहुत ही टफ मैच की जो है तवक्को की जा रही थी और रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट आए हैं। ज़्यादातर वोट जो है इंडिया के साथ जा रहा था। अगर इंडिया की बैक परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 मैच खेले 10 के 10 जीते। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी आपकी प्रिडिक्शंस क्या थी। मेरी प्रिडिक्शन तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया अपना इंडिया तो जीतते जा रहा था, ठीक हो तो गया। मेरे को फाइनल में ये था कि इंडिया चोक लाजमी करेगा, सही। ऑस्ट्रेलिया मेरा फेवरेट था वैसे, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था। अगर हार जीत तो जाहिर है गेम का हिस्सा है। अगर हम आज जो वीडियो स्पेसिफिकली जो है मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि जितना इंडिया ने मेहनत किया उन्होंने हर मैच ऐसे खेला जैसे आज उनका फाइनल है। जी वैसा ही खेला उन लोगों ने, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, बाकी शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, लेकिन मैक्सवेल की जो बैटिंग थी ना वो आउट क्लास थी, आउट क्लास थी। लेकिन आज में डेविड वार्नर ने बहुत टाइट खेला सारे पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप हाँ। में तो इसलिए मेरी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। एक्सपेक्टेशन में देखो ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगा हाँ। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हाँ, टफ टाइम देगा हाँ, हाँ। लेकिन फाइनल था, मेरे को लग रहा था लाजमी चोक करेगा इंडिया हाँ। क्योंकि वो नॉनस्टॉप जीतता हुआ ही आ रहा था, सबको यही लग रहा था कि इंडिया ही विन करेगा, इंडिया ही विन करेगा। चांसेस तो उन्हीं के थे हाँ। लेकिन लाजमी चोक करने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि बाय चांस होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके पिछली परफॉर्मेंस की अगर इंडिया की बात करें, इस वक्त जो है वर्ल्ड कप का नंबर वन जो बैट्समैन था विराट कोहली है, 765 सबसे हाईएस्ट रन बनाया है, 3 सेंचुरी बनाई है और 6 हाफ सेंचुरीज बनाई है। था वो तो था हाँ। वो था तो, लेकिन मैक्सवेल भी फेवरेट था, मैक्सवेल भी काफी ऑन चल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस भी आपने देखी सारे मैचेस में कंटिन्यूसली कितनी अच्छी आ रही थी हाँ। डेविड वार्नर की कंटिन्यूसली अच्छी आ रही थी सारे मैचेस में, हालांकि वो हार भी रहे थे जब भी डेविड वार्नर की अच्छी आ रही थी, लेकिन विराट कोहली भी अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका, विराट तो, कोहली उसका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। अगर कहते ना इस सिचुएशन को अगर हम एक फील करें तो जो कंट्री इंडिया जैसे 10 मैच जीता और आज जो है किस्मत ने उनका साथ ना दे के बड़ा जुल्म किया है यार, इसके मुताबिक वो गेम है, गेम कुछ भी हो सकता है। आज उनका गेम नहीं चल पाया, आज वो चोक हो गए, वैसे ऐसा होता नहीं। जैसे अगर उनका थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी स्टार्टिंग में सही हो जाती, रोहित शर्मा वगैरह चल जाते, तो फिर आज वो रिजल्ट नहीं होता, इंडिया ही जीता होता। लेकिन तो इंडिया से आपको देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे उन्हें? मैं ऑस्ट्रेलिया को भी बोलूंगा कि उन लोगों ने आज अच्छा खेला और इंडिया को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट, इंडिया को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट में। एक्सपेक्टेशन यही थी कि ऑस्ट्रेलिया फाइट करेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है एंड तक उसने फाइट की और इंडिया वैसे पहले बेसिकली पीछे से तो मजबूत टीम आ रही थी, लेकिन पिच के हिसाब से भी उन्होंने मार खाई कि पिच उनकी आज जो है बैटिंग की नहीं थी, उनकी बॉलिंग की पिच थी हाँ। अगर हम वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो नंबर वन पे जी आ रहे हैं विराट कोहली और नंबर टू पे जो आ रहे हैं वो रोहित शर्मा आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर बनाया। अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शामी जो है नंबर वन आ रहे हैं। तो 10 मैच इंडिया ने जो जीते हैं वो और आज का हार जाना हमारे लिए तो 10 ज़्यादा अहम रहेंगे। 10 ज़्यादा अहम इसलिए रहेंगे कि पिच उनकी, ग्राउंड उनके, बॉल उनकी तकरीबन हाँ। और आप उनके तमाम मैच उठा कर देख लें, जितना अंपायर्स को उन्होंने कंफ्यूज किया है और विकेट लेने और देने पर किसी टीम ने इतना कंफ्यूज अंपायर्स को नहीं किया हाँ। अंपायर्स को कैसे कंफ्यूज किया? यानी कि जो आउट ही नहीं है हाँ। और बिलावजह की अपीलें हैं और आप रिव्यू इनके चेक कर लें कि इन्होंने जो रिव्यू लिए हैं हर मैच के अंदर, इनके रिव्यू लाजमी है दूसरी टीमों की बनिस्बत,
क्योंकि जिस तरह यानी कि मैच देखे हमने जिस तरह इसी तरीके से, और जो बेनिफिट इनको हुआ है वो सारा हुआ है इनके अपने होम ग्राउंड। अच्छा, लेकिन होम ग्राउंड पे लेके इस साल जो था वर्ल्ड कप, क्योंकि 4 साल बाद आता है वर्ल्ड कप जो था, 12 साल के इंतजार के बाद इंडिया के अंदर आया, तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी इस वर्ल्ड कप से वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन आज की कैटेगरी के मुताबिक तो वो सारी कहते हैं कि पानी फिर गया, पानी फिर गया। अच्छा, वैसे क्योंकि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, जब इंसान हारा ही ना हो पूरी सीरीज, ये वर्ल्ड कप के अंदर भी एक रिकॉर्ड है कि इंडिया ने जो है कंसेक्यूटिवली जो है 10 मैच जीते हैं। आज का तो सारा इंडिया और सारे से ज़्यादा पाकिस्तान, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ODI सीरीज की बात करें तब भी इंडिया विन कर गया था, लेकिन जो 10 मैच पहले इसने खेले हैं, जो मेहनत उसने की ना, वो आज आगे सारी उसने ज़ाया कर दी, क्योंकि वो 10 मैचों वाली मेहनत आज नहीं कर सका वो। लेकिन ये है कि वो जो भी है बॉल का मैच है, ये आखिरी बॉल पे चलता है, और ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत की है, और शुरू में तो वो 52 रन तक, तो 41 पे उनके 2 आउट हो चुके थे, और फिर 52 से पहले ही उनकी 3री विकेट गिर गई थी, तो मैच तो तकरीबन इंडिया उनको घबराहट में डालकर अपनी तरफ ले गया था। एक वक्त था कि 50-50 आ रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हो गया, वन टाइम हो गया था वो, ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने जो है कम बैक किया। इंडिया से जो ऑडियंस देख रही है, क्योंकि क्रिकेट लवर है इंडिया के अंदर, गेम जो है वो क्रिकेट तक नहीं है बल्कि ये इमोशंस है लोगों के बहुत ज़्यादा, इस वक्त सैड हो गया, बड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया। क्या यहाँ से क्या सपोर्ट करेंगे आप? देखें, ये तो बॉल का मैच है, इसके ऊपर तो कंप्रोमाइज़ है कि जो जीत जो मेहनत करेगा जीतेगा। इंडिया ने वाकई मेहनत की है, लेकिन आज के दिन के लिहाज से जो है इंडिया मार खा गया, और उनकी पॉलिसी जो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी थी वो कामयाब रह गई। तो वहाँ की आवाम से यही है कि भाई बॉल मैच है, इसमें तो पाकिस्तान, आप देखें, आप अपने पाकिस्तान को देख लें कि वो कहना कि हमारा मुल्क भी जो है बाहर आया, तो हमने भी वो किया है, तो इसी तरह इंडिया के भी जो आवाम है कंप्रोमाइज करें जबरदस्त। दोस्तों, मेरे साथ नायला भी मौजूद है, और नायला ने जो बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है आज के वीडियो में ना अपने रिव्यूज़ देने दो, क्या पैगाम है नायला आपका? मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगी कि एक मैच हारने से और 10 मैच जीतने का बहुत फ़र्क होता है, और इंडिया ने सभी लोगों के दिल जीते हैं। मुझे तो यही था कि वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में आएगा, क्योंकि उन जैसी परफॉर्मेंस आज तक अभी किसी ने नहीं ना देखी और ना की है, जिस तरह से उन्होंने 1-1 10 मैचेस जीते और अच्छे स्कोर से, उन्होंने उसमें भी एक लेवल मेंटेन किया है, बड़े स्टैंडर्ड। और तुम्हें पता ही है कि नंबर 1 पे कौन आता है, विराट कोहली आता है, नंबर 2 पे रोहित शर्मा आते हैं, फिर मोहम्मद, वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर ऐसे ही। अगर मोहम्मद शामी की बात कर लो, उनकी बॉलिंग के सारे पाकिस्तानी फैन हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि हार जीत होती रहती है, जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं एक जीतता है एक हारता है। अगर हम आज की जीत की बात करें तो ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, अगर मैं पिछली परफॉर्मेंस को देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, मैं ये बताऊँ, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन वीडियो दोस्तों बनाई है, मतलब कि हर पाकिस्तानी और जिनसे भी हमने बात की उसको ये श्योरिटी थी कि वर्ल्ड कप जो है इस दफा एशिया में रह जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें, दुख अफसोस की जाहिर है, क्रिकेट गेम है, इमोशंस भी जागे होंगे, बहुत से लोगों का दिल भी टूटा होगा, लेकिन हम 10 की बात करेंगे, जो रियल में इंडिया जो है ना इस वर्ल्ड कप का जो वो हीरो रहा है, एक हारना मैटर नहीं है, 10 जीतना ये अहम है, और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते ऐसे हैं। और जिस तरह से वो लेके चले हैं ना गेम को, और आज की परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी थी, ये नहीं था कि आज वो बिल्कुल नहीं खेले, आज भी वो बहुत खेले, लेकिन हार जीत होती रहती है, दिल छोटा करने की बात नहीं, अब नहीं तो 4 साल के रिकॉर्ड बनाने वाले इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन जी हैं, ऐसे ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, इंडिया ही है, और सपोर्ट करते रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नायला हर गेम ऐसे के लिए, जैसे आज फाइनल है तो वो 10 फाइनल जीते हैं, एक हार गए तो कोई बानी, मैं यही तो बोल रही हूँ ना कि रियल हीरो इंडियंस ही हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप उनके हाथ में नहीं है ये मैटर नहीं करता, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें वो सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं अभी हमने ऑफ कैमरा जिनसे बात की वो क्या कह रहे थे, आज का वर्ल्ड कप इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें वो सबसे अहम है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, ना वो रिकॉर्ड बांग्लादेश ना ऑस्ट्रेलिया कायम कर सका, अगर आज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में वर्ल्ड कप चला गया लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना, सबसे मैटर ये चीज़ करती है। और मैं यही बोलूंगी कि इंडिया लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके क्रिकेटर बहुत अच्छा खेले और उन्होंने हर चीज में एक लेवल मेंटेन किया, और वो जीते भी तो हैं, विराट कोहली ने सेंचुरी की है, ठीक है, फिर KL राहुल ने बनाई है, और फिर वो पिछला मैच जो ODI का था वो भी उन्होंने किया, तो जबरदस्त। और जब मेरे फैन मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर,
क्रिकेट बाय चांस होती है, लेकिन उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी तमाम जो ऑडियंस है बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है, उनको पता है कि ये जो टाइम है ना टीम के साथ खड़े होने का टाइम है, और रियल हीरोज वही हैं। अगर एक तराजू में भी तोल लिया जाए इंडिया के रन, इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की फील्डिंग और आज की देखी जाए तो वो 10 का पल्ला भारी है इस वर्ल्ड कप। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, जब ये भारत गए हमें ये था कि ये अच्छा मैच वहाँ पे खेलेंगे, लेकिन उन्होंने हर मैच में हमारी इंसल्ट करवाए। जिस तरह से हमें उनसे था कि ये अच्छा खेलेंगे, वैसे वो नहीं खेले, ना उन्होंने स्कोर बनाए, ना उन्होंने ना वो किसी अच्छी तरह से खेले, ना उन्होंने वो स्कोर मेंटेन किया जो भारतीय क्रिकेटर ने किया। तो इस वजह से हमें उन पर बहुत गुस्सा आया था कि भारत भी गया और वो कुछ करके भी नहीं आए। अगर हम इसी के ऑपोजिट इंडिया की बात कर ले, वो खेले भी और अब तक वो खेलते रहे, उन्होंने वो रिकॉर्ड अब कोई आगे आएगा तो वो टूटेगा, अदरवाइज इंडिया ही है, इंडिया ही है। और 10 जीतने वाला ही रियल हीरो है, क्योंकि हम मेहनत देखेंगे डे फर्स्ट से लेकर वार्म अप मैचेस और सेमीफाइनल तक जो है इंडिया ने फाइट किया और बहुत अच्छा जो है फाइट किया। और इसके साथ साथ ये मैसेज जो है उन लोगों तक भी दोस्तों पहुंचाए जो कहते थे कि इंडिया ने पैसा लगाया हुआ है, तो आज उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए क्योंकि वो अपनी मेहनत से जीते हैं और हर मैच के अंदर जो है ना हमें उनकी मेहनत नजर आई है। और मैं लास्ट पर ये मैसेज देना चाहूंगी, ये भी तुमने मुझे याद करवाया, जिस तरह से बोला गया था यहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि इंडिया ने पैसे दिए हैं और ये 10 के 10 कैसे जीत सकती है, एक तो इंसान हारता है। तो आज मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी, लोगों के मुंह कभी भी बंद नहीं कर सकते, ठीक है, कोई अच्छा खेले फिर बोलेंगे, कोई बुरा खेले फिर बोलेंगे, ये दुनिया है। अगर हम उनकी मेहनत की बात करें, उनकी मेहनत की किसी ने बात नहीं की, सबको यकीन आ गया होगा क्योंकि प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत हैं। उनके क्रिकेटर हमेशा कहा कि वो मेहनत से जीता है और उनके क्रिकेटर ने बहुत मेहनत की थी। विराट कोहली का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमने इतनी मेहनत की है ना कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है, वो उन्होंने नजर दिखाई है हमें नजर आया कि यार उन जैसा कोई नहीं खेल सकता। तो मैं यही अपने इंडियंस फैंस को बोलूंगी कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप अगर इंडिया के हाथ में नहीं आया लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला अभी तक कोई टीम नहीं कर सकती, उनके टक्कर की कोई है ही नहीं, रियल हीरोज रहते हैं। और इस वर्ल्ड कप का अगर रियल हीरोज की बात ये तो वो इंडियन टीम है, इंडियन क्रिकेटर्स हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।